सतवरे सर श्री रामदास सतवरे भी नहीं हुआ मेरा रामदास सतवरे दो मिनट भी नहीं हुआ संजय प्लीज सर दो मिनट तो पूरा करने दीजिए श्री संजय श्री रामदास सतवरे संजय सिंह जी प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइम दिया उसको पूरा करने दीजिए पूरा हो गया अंतिम बात सर अंतिम बात सर कह के खत्म हां बोलिए अंतिम एक मिनट रामदास जी एक मिनट सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आप बीच में नरसिंह राव जी थक गए इसलिए बराबर हो गया नरसिंह राव जी को धन्यवाद दिया सर कुछ गलत हो गया नहीं, अच्छा कहा उन्हें आपने मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मान्यवर सरकार बैलेट पेपर से जब पूरी दुनिया में तमाम विकसित देश हम लोग टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है लेकिन तकनीकी रूप से जो तमाम विकसित देश हैं अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी जापान जब वो देश बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं तो आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या आपत्ति है इस बात को सदन को बताना चाहिए आपकी लोकप्रियता ज्यादा है बैलेट पेपर से चुनाव कराइए थैंक यू Narasimha Rao ji, you are complimented. You raised a doubt and you got your doubt cleared. They want their doubts to be cleared. Chairman sir. And you are convinced. Chairman, it's a fact. It's a fact of fact. It's important to see it's because of our efforts. A reform has already happened. Right. Today you have a paper trail because of our efforts. Right. So therefore to compare the paper. Thank you. This reform. Thank you. No. रवि प्रकाश वर्मा जी प्लीज प्लीज आप बैठ जाइए रिकॉर्ड में नहीं जाएगा उस समय रिकॉर्ड में उनका नाम लिया है इसलिए उनको मौका रामदास जी प्लीज प्लीज ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा प्लीज 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 सीनियर मैन यू नो वन नेशन एक दूसरे के व्यक्ति के बारे में परस्पर सम्मान होना चाहिए सदन का सदस्य है वो भी उन्होंने रेस किया और वी गॉट कन्विंस्ड यू आर नॉट कन्विंस्ड लेट अस वेट चेयरमैन सर वन नेशन वन इलेक्शन नरेंद्र मोदी इज आवर सिलेक्शन वी वांट यूनाइटेड नेशन वी डोंट वांट अपोजिट मोशन तो एक देश एक चुनाव के संबंध में नरेंद्र मोदी जी ने विचार रखा है उनका अधिकार है अपना व्यू पॉइंट बताएं और सभी पार्टियों पार्टी है ना कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान दिया वो 1950 में हमने स्वीकारा था 52 में जब पहला इलेक्शन हुआ था 52 57 62 67 मतलब बहुत सारे चुनाव जो है ये लोकसभा और विधानसभा एक साथ होती थी तो बाद में मतलब कोई सरकार बर्खास्त हुई का 356 लगा किसी ने इसका सपोर्ट निकाला उधर सपोर्ट दिया तो इसके कारण इलेक्शन में मतलब गड़बड़ी हो गई है और इसीलिए देश का खर्चा बचाने के लिए अपना भाषण बचाने के लिए टाइम बचाने के लिए मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी सहित सभी ने सपोर्ट करने की आवश्यकता है और इसीलिए मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से हम सब लोगों ने विचार करने की आवश्यकता है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है और इसके लिए मेरा कांग्रेस पार्टी को निवेदन है कि आप सपोर्ट करो जब जब मतलब लोकतंत्र में ईवीएम मशीन का खराब नहीं है लोग खराब नहीं है एकाधी ईवीएम मशीन खराब हो सकती है कि वह पंजाब पर वोट डालने से वो कमल पर जा सकता है लेकिन दूसरी मशीन ऐसी हो सकती है कि कमल का बटन दबाने से मतलब पंजाब पर वोट जा सकता है एकाधी मशीन खराब हो सकती है लेकिन लोगों का दिमाग खराब नहीं हो सकता है तो इसी तरह मतलब ईवीएम मशीन के पीछे क्यों पड़े पीछे पड़ना है तो हमारे पीछे पड़ो जो कुछ करना है वो हमारे भी पीछे पड़ो आप लोकतंत्र में हमको इतनी सफलता मिली है और ईवीएम मशीन खराब है ईवीएम मशीन खराब है आपका काम खराब है इसलिए हम क्या करेंगे उसको मतलब आप लोगों ने अगर अच्छा काम किया होता था तो आपको सत्ता मिलती थी राइट रामदास राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद रहते थे राहुल गांधी जी ने मतलब ठीक है तो वो इधर नहीं है वो हमारे मित्र है मतलब पहले हमारे मित्र रहे लेकिन अभी तो नहीं मित्र हमारे तो इसीलिए मतलब इसीलिए मैं सबको निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रस्ताव पर पॉजिटिव विचार करो और देश का पैसा बचाओ धन्यवाद देश का टाइम और ये मेरा निवेदन है मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम पूरा सपोर्ट करते हैं।